नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। खबर नागौर से है, जहां खींवसर उपखंड मुख्यालय पर शहर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक ली। बैठक में विधायक बेनीवाल ने चिकित्सक प्रभारी से कार्यों की समीक्षा की और फीडबैक लिया व अस्पताल के विकास कार्यों के लिए चर्चा की गई। इस दौरान विधायक ने बताया कि सीएचसी में सहकारी मेडिकल दुकान लगाने का प्रस्ताव लिया गया है। क्षेत्र के पेंशनर को दवाइयों हेतु बाहर जाना पड़ रहा है, जल्दी सीएचसी पर सहकारी दवाइयों की दुकान लगेगी। साथ ही बेनीवाल ने बताया कि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद शुरू करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। शीघ्र ही अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। वहीं बेनीवाल ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया है। चूंकि इस समिति में विधायक भी सदस्य हैं और इस अस्पताल के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका नए सिरे से वापस एक बार सब लोग बैठ के विचार विमर्श भी आज इस मीटिंग के अंदर किया, कई नए प्रस्ताव भी लिए। सबसे बड़ी बात, यहां सहकारी जो एक सहकारी की मेडिकल की शॉप जो है उसका भी यहां प्रस्ताव लिया गया है। क्योंकि यहां बड़ी तादाद में पेंशनर्स लोग जो है जो रिटायरमेंट के बाद जो मेडिकल की दवाइयां वगैरह जिनको आवश्यकता जिनको होती है उनको कई जगह इधर उधर भटकना पड़ता है। उनको उनकी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यहां केंद्रीय जो सहकार भंडार जो है उसके माध्यम से यहाँ क्यों सर करे विक्रय सहकारी समिति की यहाँ मेडिकल की शॉप को भी खोलने का प्रस्ताव लिया गया। प्रतापगढ़ में एक पेंट व्यवसायी पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ब्रश खरीदने आए दो नकाबपोश युवकों ने व्यवसायी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में व्यापारी को दो गोलियां लगी। हमले के बाद नकाबपोश वहां से भाग निकले। वहीं घायल व्यापारी को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। फायरिंग की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने मौका मुआयना कर पूरी जानकारी ली। वहीं एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा इलाके में नाकाबंदी करवाई गई है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों ने बेजुबानों के लिए परिंडे लगाए। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के हितार्थ भूतनाथ शिवालय, चौधरी मुक्तिधाम, श्रीराम मुक्तिधाम, प्राचीन भूतनाथ शिवालय, कब्रिस्तान, संगम विहार कॉलोनी, इन जगहों पर 51 परिंडे लगाकर नियमित पानी डालने की जिम्मेदारी ली है। इस दौरान भानुप्रकाश स्वामी ने कहा कि भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना मानव जाति का धर्म है। सभी को पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। शाखा प्रबंधक राकेश कौशिक ने बताया कि एयू बैंक सामाजिक व जनहित के कार्य करती रहती है। कोरोना काल में भी राजकीय अस्पताल में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त अभियान में कपड़े के थैले व आगामी वर्षा ऋतु में ग्रामीण व शहरी इलाकों में पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। खबर बीकानेर से है, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी व जिला कांग्रेस कमेटी बीकानेर के निर्देशानुसार सोनिया गांधी ब्रिगेड ऑल इंडिया कांग्रेस बीकानेर द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जैसलमेर रोड स्थित डूडी पेट्रोल पंप के आगे मोदी का पुतला जलाकर किया गया। प्रदर्शन में डॉक्टर बीडी कल्ला व मदन गोपाल मेघवाल ने बयान देते हुए कहा कि इस बेतहाशा बढ़ती महंगाई की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। कल्ला ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पूर्व में 2% एक्साइज ड्यूटी व टैक्स भी कम किया था। केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल व डीजल व गैस की कीमतें बढ़ा रही है, जिससे आम आदमी का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। वहीं प्रदेश सचिव व ओबीसी जिला अध्यक्ष हसन अली नागौरी ने कहा कि अगर मोदी सरकार जल्द ही बढ़ती महंगाई पर रोक नहीं लगाती है तो जनता जल्द ही दिल्ली कूच करेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर ब्रह्मा स्रोत संगठन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपनी मुख्य मांग कंपनी में संविलियन करने के लिए सरकार के सामने रखी गई। साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई कि मध्य प्रदेश में 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर समय रहते सरकार ने मांगे नहीं मानी तो ब्लैकआउट की चेतावनी सरकार को देंगे।
बिल्कुल, हमारे रतलाम जिले के जिन जिन साथियों से अभी बातचीत हुई है, मीटिंग जिस हिसाब से हुई है, हमें पूर्ण 100% विश्वास है। हमारे सुनील भाई, अनिल भाई, रघुजीत ने जो आश्वासन दिया है कि हमारा रतलाम जिला 100% देगा, तो हम बिल्कुल 100% रतलाम के साथ में हैं, बिल्कुल रतलाम हमारा साथ देगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।